ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर का नाम जो है अपना, क्या नाम था अपने चैप्टर का, कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर के भी दो नेचर होते हैं, रेडिएशन के भी दो नेचर होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे। तो हमको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ना है, और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट, और लाइट का जब पार्टिकल बोले तो फोटोन, जब मेटल सर्फेस के ऊपर इंसिडेंट करता है वो भी सुटेबल फ्रिक्वेंसी वाला लाइट, ठीक है, सुटेबल फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन जब किसी मेटल सर्फेस के ऊपर गिरती है तो वहां पे किसका इमिशन होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इमिशन होता है। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की स्टडी हमको करना है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हेडिंग देना है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी, किसकी स्टडी करने के लिए? टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या क्या किया था, ठीक है, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। हर्ट्ज और लेनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या होता है? द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इसमें एक ऐसी इवैक्यूएटेड क्या होती है? ग्लास ट्यूब होती है। ये इस तरह से इवैक्यूएटेड क्या होती है? ग्लास ट्यूब होती है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इस तरह से ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। और यहाँ पे क्या होती है? एक आर्म होती है जिसको हम विंडो बोलेंगे। ये एक आर्म जिसको हम एक कॉर्ड से बनी रहती है, ठीक है, स्पेशल विंडो से बनी रहती है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्ड्स विंडो। ये कैसे बनी है? कॉर्ड्स भी एक प्रकार का ग्लास है, ठीक है, कॉर्ड्स विंडो, ठीक है, ओके। यहाँ से लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे। यहाँ पे लाइट ऑफ क्या? सुटेबल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे लाइट, और यहाँ पे एक वायर होता है इस तरह से, और इसमें क्या रखा जाता है? कैथोड और ये एनोड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इमिटर प्लेट, और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट होती है। इसी को क्या बोलते हैं? फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, जिसको हम इमिटर प्लेट बोलेंगे। इमिटर जो क्या होती है? फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट होती है, मतलब लाइट को फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट होती है। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए इसको इमिटर भी बोला जाता है। और ये होती है कलेक्टर प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है, कलेक्टर प्लेट होती है। तो यहाँ पर लाइट का सोर्स है सोर्स ऑफ रेडिएशन, यहाँ से लाइट आती है इस तरह से, ठीक है, लाइट आती है कि नहीं आती है। तो लाइट इसके फॉर्म में आएगी, डॉटेड पोर्शन में दिखाओ, पार्टिकल के फॉर्म में, लाइट के जो पार्टिकल है यहाँ पे आते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है। लाइट जैसे ही यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। किसके तरफ? एनोड की तरफ, जिसको पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव? इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है। क्यों इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट होंगे तो वो जो एनोड है कलेक्टर पे कलेक्ट करेंगे, और ये इस सर्किट में करंट सेटअप करेगी,
और उस करंट को हम कैसे गिनेंगे, इस करंट को हम कैसे गिनेंगे, तो माइक्रोएमीटर, बहुत छोटा सा करंट होता है, यहाँ पे हम माइक्रोएमीटर लगाएंगे, माइक्रोएमीटर से हम क्या गिनेंगे, करंट को गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है तो हम वोल्टेज भी यहाँ पे गिन सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज भी गिन सकते हैं, वोल्टमीटर भी लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। और हमेशा याद रखना जो करंट होता है एमीटर होता है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, याद रखना ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, बैटरी के साथ में क्या कनेक्ट होता है सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के साथ में कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल में, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक रजिस्टर भी है, यहाँ एक रजिस्टर भी लगा दिया हमने, रियोस्टेट रजिस्टर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आएगा इस तरह से, यहाँ से माइक्रोमीटर से इस तरह से सर्किट बन रही है, ध्यान देना अच्छे से। और इसके पैरेलल में और हमने यहाँ पे अरेंजमेंट है, किसका, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर की, यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, वोल्ट मीटर डिवाइडर का काम करता है यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसको यहाँ तक लाने का, यहाँ पे एक ऐसा एक अरेंजमेंट होता है जो वोल्टेज को डिवाइड करेगा, किस तरह से डिवाइड करेगा बता रहा हूँ, इधर बैटरी रहती है, यहाँ पे बैटरी रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी होगी बराबर है, ये क्या होगी बैटरी होगी। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से समझ लो, देखो यहाँ पे ये अरेंजमेंट होता है, ये जो बैटरी से पोटेंशियल निकलेगा उसको डिवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होता है, इसको इस कोने से जोड़ दो और यहाँ से ये होता है, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर जिसका काम होता है पोटेंशियल डिवाइड करने का काम, पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, याद रखना ये बैटरी हो गई, ये वोल्टमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, एमीटर प्लेट होगी, कलेक्टर प्लेट होगी, ये हो गया। तो ये था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, किसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, ये है वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बोला, अब इसके बारे में हम लिखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान दो अच्छे से, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ क्या, अरेंजमेंट ऑफ क्या बोला मैंने, फोटो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ, फॉर स्टडी ऑफ मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट, कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करता है, इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब। अरे इवैकुएटेड क्या होती है, क्या कंसिस्ट करते हैं बताओ, इवैकुएटेड क्या बोला मैंने, ग्लास ट्यूब, इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब होता है कि नहीं, कंसिस्ट इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब इंक्लोजिंग इवैकुएटेड, ये इसमें लिखता हूँ, ब्लैक वाले पेन से, द कंसिस्ट इवैकुएटेड, इवैकुएटेड क्या बोला मैंने, इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब इंक्लूसिव, जिसके अंदर क्या रहेगा, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव कैथोड ई, कैथोड क्या रहेगा ई, जो इसका काम करेगा इमीटर का काम करेगा, कंसिस्ट फोटोसेंसिटिव, कंसिस्ट इंक्लूसिव, तो ग्लास ट्यूब इंक्लूसिव फोटोसेंसिटिव, 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 फोटो फोटो क्या सेंसिटिव क्या, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट ई, जो इमीटर का काम करेगी, ओके। एंड क्या बोला मैंने, कलेक्टर प्लेट, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट ई, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इमीटर भी बोलेंगे, बोलेंगे इमीटर, और क्या बोलेंगे, एंड कलेक्टर प्लेट, जिसको इमीटर भी बोलते हैं कैथोड भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और एंड कलेक्टर प्लेट क्या, कलेक्टर प्लेट क्या, कलेक्टर प्लेट क्या ए, कलेक्टर प्लेट क्या सी, तो कई लोग इसको सी लिखते हैं, कैथोड है तो सी लिखते हैं, एनोड है तो ए भी लिखते हैं, तो कैसा करूँ, कैथोड सी लिखूँ कि एनोड वो ऐसा लिखूँ चलेगा, कैथोड का सी लिखूँ क्या, कैथोड का सी लिखूँ क्या, एनोड का ए लिखूँ, ओके, इमीटर प्लेट है सी वैसा लिखना, ठीक है, ये कलेक्टर प्लेट है इसलिए सी, इमीटर प्लेट है इसलिए ई, कोई कंफ्यूज वाला काम नहीं ना, ठीक है, ये कैथोड मतलब ये इमीटर प्लेट है इसलिए ई, ठीक है, या फिर ऐसा लिखते हैं यहाँ पे इमीटर लिख देता हूँ, ये इमीटर लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, इमीटर, इमीटर का ई, और एक कलेक्टर का क्या, कलेक्टर प्लेट का क्या सी, और ये क्या है बताओ आपका, कैथोड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका क्या लिख देता हूँ, कलेक्टर प्लेट यानी आपका क्या, ये एनोड है, ठीक है, कलेक्टर प्लेट ये आपका एनोड है, ठीक है, एनोड, और ये क्या है कैथोड, ओके डन, ओके डन, ओके डन, ठीक है, तो इमीटर प्लेट, तो मैंने बोला फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट ई, इमीटर
एंड कलेक्टर प्लेट, क्या बोला मैंने, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट ई, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट ई जिसको इमिटर बोलेंगे, कलेक्टर प्लेट जिसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है, कलेक्टर प्लेट सी। ओके, कंसिस्ट इवेपोरेटेड, मतलब क्या बोला, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब इंक्लोजिंग फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट ई एंड कलेक्टर प्लेट क्या सी। अरे बात समझ में आया क्या? फिर एक होती है, एक होती है वहां पे क्या होती है, कॉर्ड विंडो होती है, एक ट्रांसपेरेंट कॉर्ड विंडो और ट्रांसपेरेंट विंडो सील इनटू अ ग्लास ट्यूब, ये ट्रांसपेरेंट कॉर्ड विंडो सील विद द ट्यूब, इस ट्यूब के सामने सील्ड है, मतलब लगी हुई है, अटैच हुई है। तो मैंने बोला द ट्रांसपेरेंट, पैराग्राफ करके क्या बोला मैंने, एक ट्रांसपेरेंट, द ट्रांसपेरेंट बोला मैंने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या बोला, ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो या ग्लास ट्यूब और ट्रांसपेरेंट कॉर्ड्स विंडो, कॉर्ड्स की क्या विंडो डब्ल्यू, ठीक है, सील्ड विद, सील्ड है, सील्ड विद, सील्ड विद किसके साथ में, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड क्या बोला मैंने, ग्लास ट्यूब के साथ में, ग्लास ट्यूब के साथ में। तो एक ट्रांसपेरेंट कॉर्ड्स विंडो क्या है, सील्ड है, किसके साथ में, सील्ड विद, किसके साथ में, सील्ड इनटू भी बोल सकते हो, सील्ड इनटू किसके, किसमें, इवैक्यूएटेड क्या, ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है, एंड कैन बी कवर्ड विद डिफरेंट फिल्टर, वो भी बोल सकते हैं। ओके ओके, बात समझ में आया क्या, फ्रॉम विच ट्रांसपेरेंट क्या बोला मैंने, कॉर्ड्स विंडो सील इनटू इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, फ्रॉम विच जहां से अपन क्या करेंगे, फ्रॉम विच, फ्रॉम विच लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, लाइट ऑफ क्या बोलेंगे, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी या थ्रू विच भी बोल सकते हो, जिसके जरिए से, थ्रू विच लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, सुटेबल फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, थ्रू विच लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट ऑन, इंसिडेंट ऑन किसके ऊपर, फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव किसके ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर, मेटल प्लेट इमिटर के ऊपर, ठीक है, मेटल प्लेट। उसके बाद में ये आपका इमिटर प्लेट ही एंड कलेक्टर प्लेट ही कनेक्टेड विद द बैटरी, कनेक्टेड थ्रू द क्या, बैटरी, ओके, कनेक्टेड थ्रू द बैटरी, बैटरी के साथ में विद बाय पोटेंशियोमीटर डिवाइडर के जरिए से। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का देखते हैं। तो एक बार रिवीजन में आ दूं कि समझ में आ गया कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब इंक्लोजिंग फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट जिसको कैथोड बोलेंगे और कलेक्टर प्लेट जिसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ठीक है। फिर एक ट्रांसपेरेंट कॉर्ड्स विंडो सील है इसके अंदर, इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब के अंदर, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी या लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे किसके ऊपर, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट के ऊपर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से या लिख लो। तो भैया बहुत आसान तरीके से, बहुत तूफानी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, आप लोगों को समझा दिया। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कैसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, एक कॉर्ड्स विंडो होती है, इसमें लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी के ऊपर इंसिडेंट करते हैं इमिटर प्लेट की वजह से, और ये इमिटर प्लेट बोले तो कैथोड और एनोड ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, बाय यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर बोले तो कम्यूटेटर की मदद से, जिसका काम होता है इनका पोटेंशियल रिवर्स करना, जिनका काम क्या होता है पोटेंशियल रिवर्स, कभी पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कभी इसे किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में वोल्टमीटर, वोल्टमीटर यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड माइक्रोएमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना लिखना है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलो देखिए फिर, देखिए कुछ भी दम नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। तो फिर आगे देखो, आगे क्या लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है बोला, आगे आगे क्या लिखना है बबुआ, अरे क्या लिखना है, तो क्या लिखना है कि जो आपका जो कैथोड और एनोड है, द कैथोड एंड एनोड, कैथोड और क्या बोला मैंने, एनोड, कैथोड एंड एनोड, कैथोड बोला और एनोड बोला, डी ई आएगा, कैथोड में भी क्या आएगा, डी ई आएगा, ओके। तो कैथोड और एनोड, तो कैथोड और एनोड, कैथोड एंड एनोड, और कैथोड बोला तो समझ में आया ना, कैथोड बोला तो इमिटर प्लेट, एनोड बोला तो कलेक्टर प्लेट,
कैथोड बोले तो क्या बोला मैंने, इमीटर प्लेट, ठीक है, इमीटर प्लेट, इमीटर प्लेट समझना ना, तो कैथोड एंड एनोड या इमीटर या कलेक्टर लिखो, कैथोड एंड एनोड आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड, कनेक्टेड टू अ बैटरी, कनेक्टेड है बैटरी को, कनेक्ट टू अ बैटरी, बैटरी थ्रू किसके जरिए से, थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर के जरिए से, थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, डिवाइडर विच जो क्या करेगा, विच अल्टर द पोटेंशियल ऑफ बोथ द प्लेट, ठीक है, विच जिसका काम क्या होता है, जिसका काम क्या होता है, विच रिवर्स, रिवर्स भी बोल सकते हो, विच रिवर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, तो थ्रू विच पोटेंशियल डिवाइडर विच चेंज, या चेंज भी बोल सकते हो या रिवर्स भी बोल सकते हो, विच चेंज द पोटेंशियल ऑफ, द पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, विच चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन कैथोड एंड एनोड, बिटवीन क्या, कैथोड और एनोड के बीच का, ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैथोड एंड एनोड आर कनेक्ट टू अ बैटरी थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर, और पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या होता है, विच चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, चेंज करने का काम कौन करता है, आपका पोटेंशियल डिवाइडर करता है। ये बात सबको समझ में आई क्या, ये बात सबको समझ में आई क्या कि आपका कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड यहाँ डी आएगा, ठीक है, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड किसको कनेक्ट है, बैटरी को कनेक्ट है थ्रू किसके जरिए से, पोटेंशियल डिवाइडर के जरिए से, जिसका काम क्या होता है, पोटेंशियल को क्या करना, चेंज करना, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना, चेंज करना। फिर मैंने बताया था वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वी इज यूज टू मेजर, जिसका काम क्या होता है, यूज टू मेजर, क्या मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस, विच यूज टू मेजर, क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, पीडी जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्या, टू प्लेट, बिटवीन द क्या, दो प्लेट्स के बीच का, और लास्ट क्या बताया, लास्ट क्या, माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, द माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर होता है, द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बोले तो म्यू ए इज यूज टू मेजर, इसका काम क्या होता है, यूज टू मेजर या यूज टू डिटेक्ट, डिटेक्ट किसको डिटेक्ट करने का काम करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट सेटअप इन द सर्किट, सेटअप इन द सर्किट। तो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया, बस आपको एक और लाइन लिखना है कि वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ इमीटर प्लेट देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विच मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर, बस खत्म करना है। और एक बात, जो यहाँ पे जो करंट सेटअप होगा उस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट क्या होगा, सॉरी जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटॉन आएंगे, और जितने ज़्यादा फोटॉन आएंगे उतने ज़्यादा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है, एनर्जेटिक लाइट, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में फ़र्क है, फ्रीक्वेंसी का मतलब मोर एनर्जेटिक लाइट, और इंटेंसिटी का मतलब मोर अमाउंट ऑफ लाइट, मोर अमाउंट मोर एनर्जी, ये दोनों में फर्क याद रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन किसके ऊपर, इमिटर प्लेट, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट सी एंड कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डिटेक्टेड बाय माइक्रोमीटर, ठीक है, दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब लाइट किसी, वेन लाइट ऑफ क्या बोला मैंने, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेगी किसके ऊपर, वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, तो इमीटर प्लेट के ऊपर,
व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन किसके ऊपर, फोटोसेंसिटिव किसके ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट के ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमिटर के ऊपर, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो गए, देन तब इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ इमिटर प्लेट, फ्रॉम सरफेस ऑफ इमिटर प्लेट, तो फ्रॉम कहां से, सरफेस ऑफ इमिटर प्लेट, सरफेस ऑफ क्या, इमिटर प्लेट, सरफेस ऑफ इमिटर प्लेट, बराबर है। जिनको हम क्या बोलेंगे, कॉल फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे बोलेंगे ना, जिनको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट, उसको हम कैथोड बोलेंगे। दिस इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय, आर अट्रैक्टेड बाय, आर अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव क्या, कलेक्टर प्लेट, पॉजिटिव क्या, कलेक्टर प्लेट, एंड कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और क्या कंस्टिट्यूट करेगा, इससे क्या पैदा होगा, एंड कंस्टिट्यूट, एंड कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूट का मतलब पैदा होगा, कंस्टिट्यूट प्रोड्यूस करेगा, कंस्टिट्यूट क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन किसकी, किसमें, इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, जो डिटेक्ट करेगा कौन, विच डिटेक्टेड बाय माइक्रोमीटर न्यूडियल, विच डिटेक्टेड बाय क्या, माइक्रोमीटर न्यूडियल, माइक्रोमीटर क्या, न्यूडियल, बराबर है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज ऑब्जर्व दैट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, या फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन काय मारे बाबा, विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ये टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और उसका वर्किंग कंसेप्ट। तो इसके आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले इफेक्ट किसका, लाइट के फ्रीक्वेंसी का, लाइट के इंटेंसिटी का, पोटेंशियल का इफेक्ट किसके ऊपर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट निकल पैदा होने वाला है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा कि घटेगा, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा, पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होगा, इस मेटल प्लेट जो आपका जो इमिटर प्लेट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इफेक्ट, इसके नेचर का भी इफेक्ट किसके ऊपर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बता रहा हूँ।